अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी फिरौन की बेटी की खात्मा। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने पाकीज़ा खुशबू महसूस की, तो मैंने पूछा, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये उम्दा खुशबू कैसी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह खुशबू असल में फिरौन की बेटी की इस खात्मा और इसकी औलाद की है। जो खात्मा इसका कंघा किया करती थी, मैंने इसका हाल पूछा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन वो बेटी फिरौन की बेटी के कंघा कर रही थी कि इसके हाथ से अचानक कंघा गिर गया और इसने कहा, बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी ने कहा कि क्या ये मेरा बाप मुराद है? इसने कहा कि नहीं, बल्कि वो अल्लाह जो मेरा भी और तेरा भी, बल्कि तेरे बाप का भी रब है। फिरौन की बेटी ने कहा कि क्या मेरे बाप के सिवा भी तेरा कोई रब है? इसने कहा कि हाँ। इसने कहा कि मैं ये बात अपने बाप को बताऊंगी। इसने कहा कि ठीक है, जाओ बता दो। चनाचा फिरौन की बेटी ने अपने बाप को सारी बात बता दी। फिरौन ने इसको बुलाया और पूछा कि फला औरत, क्या मेरे सवा भी तेरा कोई रब है? इसने कहा कि हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। फिरौन ने पित्तल की बनी हुई एक गाय लाने का हुक्म दिया। चनाचा वो लाई गई, इसमें पानी डालकर खूब गर्म किया गया। फिर इस खात्मा के बच्चों को एक एक करके इसमें डाला जाने लगा। खात्मा ने इस दौरान कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है। फिरौन ने कहा कि तेरी क्या ख्वाहिश है? इसने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही कपड़े में डालकर एक साथ दफन कर दिया जाए। फिरौन ने कहा कि ठीक है, तेरी ये आरजू पूरी कर दी जाएगी। चनाचा इसके बच्चों को पित्तल की इस गाय के अंदर बराबर डाला जाता रहा, यहाँ तक कि इसके शेरख्वार बच्चे की नौबत आई तो माँ इसकी वजह से बेहिम्मत होने लगी। तो बच्चा ने कहा कि ऐ माँ, मैं मुझे डाल दो, क्योंकि दुनिया का अजाब आखरत के अजाब के मुकाबले में बहुत हल्का है।